आज हम कार्पल टनल सिंड्रोम के बारे में बात करेंगे। ये परेशानी कलाई में एक नस के दबने की वजह से होती है, जिसका नाम मीडियन नर्व होता है। कार्पल टनल हमारी कलाई में एक छोटा रास्ता होता है जो आगे लिगामेंट और पीछे हड्डी से बंद होता है। इस रास्ते से हाथ को चलाने वाली रस्सियां और नस निकलती हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दें, ये है डॉक्टर संजीव कुमार, ऑर्थोपेडिक सर्जन, दिल्ली के जाने माने हॉस्पिटल जैसे सफदरजंग हॉस्पिटल, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, लोकनायक हॉस्पिटल और जीबी पंत, गुरु तेज बहादुर जैसे हॉस्पिटलों में 13 साल तक ट्रेनिंग और काम कर चुके हैं। ये अपने चैनल डॉक्टर संजीव ऑर्थोपेडिक सर्जन के माध्यम से बोन और जॉइंट से जुड़े साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। अब इस परेशानी के लक्षण की बात करते हैं। कार्पल टनल सिंड्रोम में आपको हाथ में झंझनाहट या सुन्नपन होता है। ये दिक्कत छोटी उंगली को छोड़कर बाकी सभी उंगलियों में होती है। आपको उंगलियों में इलेक्ट्रिक करंट जैसा महसूस होता है। ये परेशानी कलाई से ऊपर बाजू में भी जा सकती है। ये परेशानी ज़्यादातर कुछ पकड़ने में होती है, जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग, फोन, न्यूज़पेपर या जब सोकर उठते हैं। काफ़ी लोग इन सिम्टम से परेशान होकर अपना हाथ झटकते हैं। कुछ लोगों को हाथ में कमज़ोरी भी महसूस होती है और वो चीज़ें ड्रॉप करने लगते हैं। अब हम जानते हैं इसके कारण। ये परेशानी कलाई की बनावटी खराबी की वजह से होती है या कुछ बीमारियां जैसे थायराइड, गठिया, इन बीमारियों में कॉमन होती है। प्रेगनेंसी में भी ये परेशानी देखी जाती है। आईटी प्रोफेशनल्स में ये परेशानी रिपीटेटिव कीबोर्ड यूजेज की वजह से होती है। अब हम बात करते हैं इसके इलाज के बारे में। इसके इलाज के लिए पहले कारण का पता लगाया जाता है और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। कुछ पेशेंट्स में इंजेक्शन से भी आराम नहीं आता, उन पेशेंट्स में एक दो टांके का छोटा माइनर ऑपरेशन किया जाता है। इसमें दबाव बना रहे लिगामेंट को कट कर दिया जाता है। इस प्रोसीजर के कुछ मेजर साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। ये घाव हफ्ते भर में सही हो जाता है। पेशेंट अपनी सारी एक्टिविटीज़ अगले ही दिन से स्टार्ट कर सकता है और बिना किसी दर्द के आराम से सो सकता है।